7.5 के नीचे जो है लेट से बिल रेट, यह हम आज बता रहे हैं। इसमें जो है नंबर वन में कह रहा है कि राइट द फ्रैक्शन सेडेड इन द फॉलोइंग फिगर। सेडेड का फ्रैक्शन क्या होगा? तो इसमें नंबर ए में देख रहे हो कि चार घर है, उसमें दो सेडेड है, तो इसका जो है सेडेड फ्रैक्शन हो जाएगा। सेडेड फ्रैक्शन इक्वल टू 2/4, यह लिखना है। नंबर बी में लिखो, यह ए हो गया, नंबर बी है इसका, इसमें है आठ घर है, आठ घर में से पांच घर सेडेड है, तो यहाँ पर सेडेड फ्रैक्शन हो जाएगा 5/8। 5/8 लिख दिए। नंबर सी जैसे है यहाँ, इसमें चार घर है, एक घर सेडेड है, तो इसमें लिखेंगे सेडेड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/4। इसी पे नंबर टू में जो है फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन तथा कलर द फिगर्स टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शन। तो 2/3 है, तीन घर है, इसमें दो घर को सेडेड करोगे। इसमें दो घर है, इसमें 1/2 है, तो ऊपर में एक है न्यूमरेटर, तो एक घर को करेंगे। इसमें चार घर है, चार घर में तीन घर को सेडेड करना है, रंग देना है इसको। 1/3 है, इसमें तीन घर है ट्रेंगल में, तो इसमें एक घर को जो है, किसी भी एक घर को जो है कलर कर देना है। अब कहते हैं राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर द फॉलोइंग फ्रैक्शन। जैसे यहाँ नंबर थ्री है, नंबर थ्री में फ्रैक्शन दिया हुआ है 3 का a 6/11, तो अपर पार्ट इज कॉल्ड न्यूमरेटर और लोअर पार्ट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। यानी ऊपर का भाग न्यूमरेटर कहलाता है, नीचे का भाग डिनोमिनेटर कहलाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 6 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 11। यही हो गया इसका आंसर। इसी प्रकार से बी सी डी ई बनाओगे। नंबर फोर में राइट द फ्रैक्शन शोन इन द फिगर्स बिलो। नंबर फोर में कह रहा है कि फ्रैक्शन लिखने के लिए, जैसे नंबर ए में है यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पेन है, पेन या पेंसिल जो भी है, इसमें से जो है फोर जो है कलर है, तो फ्रैक्शन में लिखना है, तो एक का लिखेंगे 4/ कितना था, 4/12, यही इसको लिखना है, यही हो गया आंसर। इस बी जो है नंबर बी, यहाँ बी में है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एट और फोर इधर 12, यानी 16 है, 16 में 12 जो है वह सेडेड है, तो यहाँ पर लिख देंगे 12/16, इसका आंसर यही हो गया।